उपद्रवियों ने ज्वेलरी की दुकानों को भी नहीं छोड़ा है। अहमदनगर की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी इलाके से। शिवगांव में हिंसा के दरमियान बड़े पैमाने पर पथराव हुआ था। स्थानीय बाजार में दुकानदारों को निशाना बनाया गया, दुकानों को निशाना बनाया गया। कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अभी भी दुकानों के बाहर पत्थर नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक ज्वेलरी शॉप है और इसका बोर्ड जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस शॉप के बाहर आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेवर ब्लॉक, आप देखिए इतना बड़ा पेवर ब्लॉक है कि शायद इसे एक हाथ से उठाना भी मुश्किल है। इसके अलावा देखिए कांच के टुकड़े, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था, पथराव किया जा रहा था। और यहाँ पर भी आपको हिंसा के निशान दिखाई देंगे, किस तरह से अभी भी दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो तीन चार दुकानों को निशाना बनाया गया, जितनी भी दुकानें थी बाजार में सभी दुकानों पर पथराव किया गया, उनके बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की गई। सामने आपको एक और आप देखिए शॉप है, उसका जो बोर्ड था उसको पूरी तरह से पत्थर मार के तोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर उसके ठीक बाईं तरफ की तस्वीर देखिए, सामने आपको दूसरी जो दुकानें हैं उसका बोर्ड आपको फटा हुआ नजर आएगा। इस तरह से तमाम दुकानों पर पत्थर फेंके गए, लाठियां बरसाई गई, शटर पर जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, दुकान के अंदर घुसने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से जो भीड़ थी वो हिंसक थी, और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर बाजार में दुकानदारों को, स्थानीय लोगों को, उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। कैमरामैन जतिन के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, अहमदनगर, शिवगांव। तो देखिए अहमदनगर की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी। अहमदनगर के लोगों की बात आपने सुनी, किस तरह से दोनों ही समुदायों के लोग यहां पर मिलजुल कर रहते हैं, और इसीलिए दोनों ही तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि ये कौन लोग थे, इनकी पड़ताल बहुत जरूरी है, इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है जिन्होंने ये दंगे भड़काए, हिंसा की।